हेलो दोस्तों, एमएस विजन लोनी में आपका हार्दिक स्वागत। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे और सही सलामत होंगे, जो कि होने भी चाहिए। दोस्तों, हम आज हमारे कबूतरों के लिए कैल्शियम बना रहे हैं। दोस्तों, हर किसी का अपने कबूतरों को कैल्शियम देने का तरीका एक जैसा नहीं होता। हर कोई अपने अपने तरीके से अपने कबूतरों को कैल्शियम देता है, परंतु हर किसी कबूतरबाज का यही उद्देश्य होता है कि अपने कबूतरों में कैल्शियम संबंधित सभी कमियों को दूर करना। चलिए तो फिर दोस्तों, हम किस तरीके से अपने कबूतरों को कैल्शियम देते हैं, चलिए दोस्तों बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। चलिए आपको बताते हैं हम किस तरीके से अपने कबूतरों को कैल्शियम देते हैं। दोस्तों, सब में पहले आपको लेना है अंडे के छिलके। दोस्तों, ये जो अंडे के छिलके होते हैं, ये कुदरती कैल्शियम होता है। दोस्तों, ये अंडे के छिलके आपको किसी भी मार्केट में जो अंडे के ठेले लगाते हैं उन लोगों के पास से मिल जाएंगे। आपको उनके पास जाकर सिर्फ एक डस्टबिन देना है और उनको कहना है कि भाई जितने भी अंडे के छिलके होंगे इसमें डाल देना है। फिर दोस्तों, वो लाकर दो तीन दिन सुखा लेना है। फिर दोस्तों, उसके बाद आपको लेना है अजवाइन। दोस्तों, उसके बाद लेना है आपको हल्दी। और दोस्तों, सबके आखिर में लेना है काला नमक। दोस्तों, अजवाइन का मूल स्वभाव गर्म होता है, इसलिए ठंड के दिनों में ये कबूतरों को काफ़ी लाभदायक होती है। दोस्तों, अजवाइन कबूतरों को हजमे में भी मदद करती है और बहुत से कबूतरबाज अपने कबूतरों की परवाज बढ़ाने के लिए अजवाइन का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, उसके बाद आपको लेना है हल्दी। दोस्तों, हल्दी एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल्स भी होती है। दोस्तों, हल्दी के इस्तेमाल से कबूतरों में रेशे की बीमारियों को सही किया जाता है। दोस्तों, हल्दी के नियमित इस्तेमाल से कबूतर का वजन भी कम किया जाता है। और दोस्तों, हल्दी के इस्तेमाल से कबूतर के अंदरूनी और बाहरी जख्मों का भी इलाज किया जाता है। दोस्तों, उसके बाद आपको लेना है काला नमक। दोस्तों, काला नमक के इस्तेमाल से कबूतरों को हजमे में काफ़ी मदद मिलती है और कबूतरों का दाना आसानी से पच जाता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको लेना है 2 चम्मच अजवाइन। ले लीजिए 1 चम्मच हल्दी। हल्दी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों, वरना ये फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचाएगी। एक चम्मच लेना है काला नमक। 4 चम्मच ये दोस्तों तैयार हो गया है हमारा कैल्शियम। चलिए दोस्तों, इसको कबूतरों को डाल कर आते हैं। देखिए दोस्तों, किस तरह से खा रहे हैं हमारे कबूतर कैल्शियम।
दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये हमारा कैल्शियम देने का तरीका आपको पसंद आया होगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।